लोहागढ़ स्टेडियम में राजस्थान राज्य चतुर्थ 15 वर्षीय पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती प्रतियोगिता का तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने खिलाड़ियों को हाथ मिलवाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला प्रमुख राजवीर सिंह ने की। पहलवानों से हाथ मिलवाकर कुश्ती का शुभारंभ करवाने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर गर्ग ने कहा कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज में छिपी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि वे सफल होकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने कुश्ती इंडोर स्टेडियम में लाइट लगाने व वाटर कूलर लगवाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जा रही है। प्रारंभ में डॉक्टर गर्ग का आयोजकों द्वारा साफा माला व चांदी की मुकुट व गद्दा भेंट कर अभिनंदन किया गया। अवसर पर मंचा सिंह हमारे प्रधान श्री सचिव सोमेपाल जी, कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह जी, अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष श्री अग्रवाल जी, सिंह को, जीतू को और इसकी पूरी टीम को एक शानदार आयोजन आज इस लोहागढ़ स्टेडियम में रखा है। फल हो और इस भरतपुर जिले का और प्रदेश का नाम देश और दुनिया में करें। भरतपुर आगे बढ़ रहा है, हम सब मिलकर के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, पानी का मामला हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मामला हो, हमारे भी प्रधानमंत्री ने बताया जीतू जी ने कि यहाँ दो चीज की सबसे प्रमुख कमी है, एक तो लाइट नहीं है और दूसरा एक वाटर कूलर है। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ पास के अंदर लाइट लग जाएगी और वाटर कूलर भी आपका लग जाएगा। हाई मास्क लगेगी और क्या है, इसके लिए 8 से 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया है, उससे और भी बढ़ेगा। यहाँ एक शानदार इंडोर स्टेडियम भी बनेगा और इसमें मैंने देखा एक्चुअली अब गहरा नहीं चाहिए, मौका नहीं है। तो जिस तरह का ये बनना चाहिए था उस प्लानिंग में कमी रह गई,